डियर फ्रेंड, मैं संजय कुमार और आपका हमारे संजय सीआरडीएम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने 11th क्लास के लिए सेकंड मेथड लेकर आया हूं, जो लंबी दूरियों को मापने का मेथड है, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस को नापने का यानी कि उनको मेजर करने का जो मेथड है ये सेकेंड। हमारा जो फर्स्ट मेथड था वो पैरालेक्स मेथड था, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, और आज की वीडियो में हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। इस सेकंड मेथड का नाम है प्रतिध्वनि विधि। तो इसकी अगर हम बात करें तो किसी बड़े आकार वस्तु, जैसे कोई बड़े आकार की वस्तु है, जैसे पहाड़ी, ठीक, पहाड़ी होती है, ये पहाड़ होते हैं, उनसे टकराकर लौटने वाली जो परावर्तित ध्वनि होती है उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? हम प्रतिध्वनि कहते हैं। वो प्रतिध्वनि कौन सी है? जो पहाड़ी से टकराकर वापस लौट आती है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं एक कुआं हो, उस कुएं के अंदर अगर आप आवाज लगाओ तो वो आवाज आपको वापस सुनाई देती है। तो वो जो वापस सुनाई दे रही है वो प्रतिध्वनि है। तो ये प्रतिध्वनि उसी पर आधारित है, प्रतिध्वनि मेथड अर्थात। तो ये इको मेथड जो है, इस इको मेथड में क्या है कि प्रतिध्वनि के सुनाई देने के लिए परावर्तन तल की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रतिध्वनि कहलाएगी। उसको हम प्रतिध्वनि मेथड के द्वारा तभी हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने मान लिया कि कोई बंदूक की गोली की ध्वनि जो है वो पहाड़ी से टकराकर वापस अगर हमें सुनाई दे तो वो प्रतिध्वनि के रूप में हमें प्राप्त होगी। बंदूक से निकली जो गोली है यानी कि जो उससे चलाई गई गोली है, तो उसकी प्रतिध्वनि प्राप्त होने के बीच का जो समय है वो नेट समय टी अगर हम मान लें, तो अब देखो किस प्रकार से माने। जैसे मान लिया एक ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, यहाँ पर कोई बंदूक है, इस प्रकार से इस बंदूक से जो है ये कोई बंदूक है, तो इसे हम इसकी ध्वनि, यहाँ से हमने बंदूक की गोली छोड़ी, छोड़ने पर जो ध्वनि इसकी यहाँ से यहाँ तक गई और इससे टकराकर जो हमें वापस प्राप्त हुई है, तो इसी ये वापस आने वाली को इसको कहेंगे हम प्रतिध्वनि, इसी को हम प्रतिध्वनि कहेंगे अर्थात इको, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम मान लें कि ये एस डिस्टेंस चली यहाँ से यहाँ तक, जहां से हमने ये बंदूक चलाई थी उस बंदूक से पहाड़ी तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? एस है। तो एस डिस्टेंस इसकी जाने में होगी, तो एस डिस्टेंस ही ध्वनि की आने में होगी, तो कितनी होगी? 2S डिस्टेंस हो जाएगी टोटल, जो ये डिस्टेंस कवर करेगी यानी कि जो चलेगी। अब हम बात कर लें यहाँ पर, अगर हम ये जो डिस्टेंस हमने मानी है, ये डिस्टेंस मानी है किसकी? ध्वनि की, ध्वनि यहाँ से और यहाँ तक चली, इसका समय मान लें कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये ध्वनि जो है, ये जो साउंड है, ये यहाँ से यहाँ तक जो इसने ट्रेवलिंग की वो ट्रेवलिंग टी टाइम में की, कितने टाइम में की? टी टाइम में। अगर ये टी टाइम में ट्रेवलिंग कर रही है, ठीक है, तो और वायु में ध्वनि की जो चाल है वो कितनी हो? वी मीटर पर सेकेंड हो, वी मीटर पर सेकेंड। जो वायु है उस वायु में चली ना, ये वायु में चली और वायु में इस ध्वनि की जो चाल है वो वी मीटर पर सेकेंड है, उसमें लगने वाला समय टी है, और उसकी डिस्टेंस जो है वो जो इतनी ट्रेवलिंग की है, जितनी उसने चली है, वो एस है, कितनी डिस्टेंस है? एस। तब इस प्रकार अब हम बात करें यहाँ पर, तो जो वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में यानी कि आने में और जाने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस 2S होगी, एस जाने में और एस आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2S। तो 2S इज इक्वल टू हो जाएगा चाल, एक सूत्र होता है हमारा, चाल बराबर होता है, चाल यानी कि V इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय यानी कि S अपॉन T, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू टी, तो टोटल डिस्टेंस डी 2S इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू टी यानी कि चाल गुणा समय। यहां से हम S निकाल लें डिस्टेंस, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा V गुणा टी अपॉन 2। तो ये एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमें क्या मिल गया? एक फॉर्मूला मिल गया। तो इस सूत्र में हम वायु
में धवनी की चाल वी इज इक्वल टू, जो ये वी की वैल्यू है इसकी जो चाल है वो रखेंगे हम 332 मीटर पर सेकेंड। मैं बताना चाहता हूं आपको कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए हम ये वाली वैल्यू यहां पर रख देंगे। वो जितने समय में भी वो वहां से टकरा के वापस अगर आपको सुनाई दी तो वो समय यहां पर रख दें, ठीक है, टी की जगह, और दो से उसको डिवाइड कर दें हम, तो डिस्टेंस पता चल जाएगी आपको कि कितनी उस ध्वनि ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितनी दूर वो चली और चलकर, यानी कितनी दूर चली है, ठीक है, यहां से यहां तक कितनी दूरी उसने तय की है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से इस फॉर्मूले के द्वारा। तो यही जो है इसी को कहेंगे हम इको मेथड, यही इको मेथड अर्थात प्रतिध्वनि विधि। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, नेक्स्ट यानी कि थर्ड जो मेथड है वो है लेजर विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं LESER, लेजर मेथड, ठीक है, ये हमारा थर्ड मेथड है। ये भी लॉन्ग डिस्टेंस को फाइंड करने का थर्ड मेथड है। इस मेथड में सबसे पहले बात करते हैं लेजर की फुल फॉर्म की, तो L4 होता है लाइट, A4 होता है एम्पलीफिकेशन, ठीक है, एम्पलीफिकेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन, ये कि ऐसे होता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो लेजर की जो इस फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं हम विकिरण उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, यानी कि प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है उसका जो प्रवर्धन है उसे हम लेजर कहते हैं, ठीक है। तो ये लेजर मेथड है। तो इस मेथड में होता क्या है, ठीक है, इसको हम संक्षिप्त में समझते हैं कि इसमें होता क्या है कि जो लेजर होती है वो लेजर अत्यधिक तीव्रता वाले, बहुत ज्यादा जो तीव्रता का प्रकाश होता है उसको एक समदेशी यानी कि एक वर्णी प्रकाश के रूप में जो है वो भेज देता है, ठीक है। जैसे मान लिया यहां से बहुत सारी किरणें ये निकली तो उसको एक किरण के रूप में ऐसा करके एक साथ जितनी मोटाई यहां पर होगी उसकी उतनी ही मोटाई एंड में होगी उसकी, ठीक है, इस प्रकार से एक साथ एक बीम के रूप में एक वर्णी प्रकाश के रूप में वो भेजती है। तो जो भेजता है उसे हम कहते हैं लेजर, तो वो लेजर कहलाती है, ठीक है। लेजर का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया तो वो इंस्ट्रूमेंट लेजर है। वो लेजर क्या करता है, वो लेजर करता है कि जो प्रकाश है उस प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश के रूप में भेज देता है, जहां से वो शुरू होगा वहां तक, जहां भी वो पहुंचेगा वहां तक उसी रूप में, यानी कि एक वर्णीय फॉर्म में ही वो पहुंचेगा, एक लिनियर फॉर्म में पहुंचेगा और एक वर्णीय प्रकाश होगा, ठीक है। एक वर्णीय का मतलब होता है बिल्कुल सेम, जितनी मोटाई यहां पर है उतनी मोटाई उसकी लास्ट में होनी चाहिए। तो ये लेजर है, ठीक है, इसे हम कहेंगे लेजर। इसके द्वारा हम बहुत ज्यादा सरलता से, एकदम बहुत आसानी से बहुत लंबी लंबी दूरियों को हम जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जो लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है प्रकाश में, तो इसलिए लाल प्रकाश के विकिरण का ये यूज करके उसको सेंड करता है, ठीक है। तो इसी विधि का प्रयोग हम लंबी दूरियों के द्वारा ज्ञात करते हैं, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा, जो पृथ्वी है हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ई है और ये मून है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लेजर विधि के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात हमने की भी है, जो हम आजकल पढ़ते हैं जिनकी बीच की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये लेजर विधि के द्वारा हम करते हैं। यह विधि भी जो है वो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर ही लगभग आधारित होती है। लेजर पुंज को
जो है पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रसिद्ध किया जाएगा यानी कि भेजा जाएगा और यह है वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो लेजर के इस प्रेक्षण में जो है जब वो चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आ जाती है तो उसके आने तक का जो है वो समय लिया जाता है, उसको समय को नाप लेते हैं हम, तो समय को नाप के वहां से दूरी ज्ञात कर लेते हैं। जब वही सूत्र था हमारे जो अभी पीछे ज्ञात किया था, 2S = c × t। तो यहाँ पर v की जगह क्या लगाया हमने, c लगाया, तो वहां v जो थी वो ध्वनि की चाल थी, यहाँ c जो है वो प्रकाश की चाल है, यहाँ पर c, ठीक है, तो ये c क्या है, प्रकाश की चाल। तो यहाँ c = होता है कितना, होता है आप लोग जानते हैं कि 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड जो है वो सी का मान होता है, यानी कि प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पर हम एस का मान निकालेंगे तो S = वही सूत्र आ जाएगा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा c × t/2। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस लेजर विधि से जो है हम बहुत लंबी लंबी दूरियों को ज्ञात कर लेते हैं, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो ये थर्ड विधि है हमारी। इसके बाद में बात आती है चौथी विधि की, चौथा मेथड है हमारा सोनार, SONAR सोनार मेथड, सोनार मेथड, इसको इंग्लिश में भी हम यही कहते हैं सोनार विधि। ठीक है, सोनार, सोनार का मतलब होता है, सोनार को कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार की होती है फुल फॉर्म साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जो साउंड का नेविगेशन होता है और उसकी जो रेंजिंग होती है वो इसका संक्षिप्त रूप होता है सोनार का। ठीक है, तो इस ये जो विधि है ये प्रतिध्वनि के विधि पर ही आधारित है, उसके सिद्धांत पर ही आधारित है। तो इस विधि में क्या करते हैं हम, इस विधि में कोई जहाज होता है, जो जहाज होते हैं समुद्र में चलते हैं, ठीक है, ये जहाज है और ये समुद्र है, ये समुद्र में जहाज चल रहे हैं, ठीक, जो जहाज होते हैं जो पानी में चलते हैं समुद्र में, तो उसमें हो कि हम इस जहाज के द्वारा किन्हीं परास्रव्य तरंगों को पानी के अंदर भेजते हैं, और कहीं पर भी अगर कोई चीज आ जाती है, जैसे मान लिया यहाँ पर कोई चट्टान है या कुछ है, तो उससे टकराकर परास्रव्य तरंगें ये गई और यहाँ से टकराकर हमें पुनः वापस प्राप्त हो जाती है। तो लगभग उस एक ही मेथड है, यहाँ भी लॉन्ग डिस्टेंस को हम प्राप्त कर लेते हैं, समुद्र बहुत बहुत गहरे होते हैं, तो माना जैसे ये समुद्र है ये, ठीक है, यहाँ पर कोई टुकड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी होगी, एस डिस्टेंस, एस डिस्टेंस है, तो वहाँ भी हमने एस डिस्टेंस फाइंड की थी, तो यहाँ पर भी हम एस फाइंड करेंगे, तो ये जाने में और आने में जो समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2S, ठीक है, 2S। अब यहाँ पर क्या, परास्रव्य तरंगों को भेजा जा रहा है, तो परास्रव्य तरंगों की जो चाल है वो वी होगी इंटू समय टी, ठीक है, तो 2S = v × t। तो यहाँ से भी हम S निकालेंगे तो S = हो जाएगा v × t/2, ठीक है, ये सूत्र मिल जाएगा सोनार मेथड में भी। तो सोनार मेथड में हम जो है परास्रव्य तरंगों को भेजते हैं, जहाज से प्रेषित करते हैं, उसके बीच में कोई भी अगर बाधा आती है, किसी प्रकार की कोई बाधा आती है, तो वो वहाँ से टकराकर वापस आ जाती है, तो वो मशीन बता देती है, सोनार विधि, जो सोनार मशीन लगी हुई है उसके अंदर वो बता देगी कि कितनी दूरी पर ये कोई वस्तु है, या जिससे टकराकर कोई चट्टान है या कुछ भी है, यानी कि कुछ ना कुछ उस इतनी दूरी पर है जहाँ से ये परास्रव्य तरंगे टकराकर वापस आ गई हैं। तो समुद्र में जहाज की जो डायरेक्शन है वो वहाँ से चेंज कर दी जाती है, जिससे उसको कोई क्षति नहीं पहुँचती है। इन्हीं का यूज हम पनडुब्बी में भी करते हैं, पनडुब्बी जब समुद्र के अंदर चलती है तो वहाँ से परास्रव्य तरंगे चारों तरफ क्रिएट होती हैं, ठीक है, चारों तरफ भेजते रहते हैं, तो जिस मार्ग से भी वो चल रही है उस मार्ग में अगर परास्रव्य तरंगे वापस आ जाती हैं और वो वापस जो टकरा के आ रही हैं, कितनी दूरी पर आ रही हैं, कितनी दूरी से टकरा के आ रही हैं, तो वो दूरी का आभास हो जाता है, तो हम अपनी पनडुब्बी का रास्ता वहाँ से चेंज कर देते हैं, मूव कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हम बर्फ़ की चट्टाने या कोई किसी प्रकार की बाधा होती है तो उससे हम अपनी पनडुब्बी को या जहाज को बचा लेते हैं, तो उसके अंदर हम इस मेथड का